दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा करंट अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसके चार्जेस के बारे में दोस्तों सेविंग अकाउंट में जैसे बैलेंस मेंटेन करना होता है उस तरह करंट अकाउंट में भी बैलेंस मेंटेन करना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में कई प्रकार के करंट अकाउंट है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज करंट अकाउंट बड़ौदा प्रीमियम करंट अकाउंट स्टार्टअप करंट अकाउंट बिजनेस करंट अकाउंट लेकिन बड़ौदा एडवांटेज करंट अकाउंट एक नॉर्मल करंट अकाउंट है जिसको सभी लोग ओपन कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज करंट अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसके चार्जेस के बारे में दोस्तों मिनिमम बैलेंस रूल ब्रांच के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच मेट्रो एरिया में है तो आपको मिनिमम बैलेंस और क्वार्टरली एवरेज बैलेंस दस हज़ार रुपये मेंटेन करना होगा देन बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच अर्बन एरिया में है तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस और मिनिमम बैलेंस पाँच हजार रुपये रखना होगा एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच रूरल एरिया एंड सेमी अर्बन एरिया में है तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस दो हज़ार रुपये रखना होगा दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा करंट अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस को कैलकुलेट नहीं किया जाता है यहाँ पे क्वार्टरली एवरेज बैलेंस को कंसिडर किया जाता है यानी तीन महीने का एवरेज बैलेंस को कैलकुलेट किया जाएगा एंड तीन महीने में सिर्फ एक बार चार्जेस लगेगा अगर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस दस हज़ार रुपये पाँच हज़ार रुपये और दो हजार रुपये से कम होगा तो बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस लगेगा बैंक ऑफ बड़ौदा करंट अकाउंट में टोटल चार क्वार्टर होता है फर्स्ट क्वार्टर सोलह मार्च से लेकर पंद्रह जून तक है सेकेंड क्वार्टर सोलह जून से पंद्रह सेप्टेंबर तक है एंड थर्ड क्वार्टर सोलह सेप्टेम्बर से पंद्रह दिसंबर तक है एंड फोर्थ क्वार्टर सोलह दिसंबर से पंद्रह मार्च तक है अब जानते क्वार्टरली एवरेज बैलेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कितना चार्जेस लगने वाला है एंड उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे देन एवरेज क्वार्टरली बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक क्वार्टर यानी तीन महीने की डेली क्लोजिंग बैलेंस को टोटल करना होगा दैन एक क्वार्टर में जितना दिन होगा उसको टोटल क्लोजिंग बैलेंस में डिवाइड करना होगा नॉर्मली एक क्वार्टर में नाइन्टी डेज होता है क्वार्टरली बैलेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका एक एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन पे है आप जाके डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं आप जानते हैं बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में यानी बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर कितना चार्जेस लगता है दोस्तों मेट्रो लोकेशन में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस दस हज़ार रुपये हैं अगर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस दस हज़ार रुपये से नीचे रहा तो पर क्वार्टर आठ सौ रुपये का चार्जेस लगेगा देन अर्बन ब्रांच में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस पाँच हज़ार रुपये हैं तो यहाँ पर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस पाँच हज़ार रुपये से नीचे रहा तो पर क्वार्टर छः सौ रुपये का चार्जेस लगेगा एंड रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस दो हज़ार रुपये हैं तो अगर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस दो हज़ार रुपये से नीचे रहा तो पर क्वार्टर चार सौ रुपये का चार्जेस लगेगा एंड दोस्तों ये तीनों चार्जेस के साथ अठारह परसेंट जीएसटी भी ऐड होगा यानी आठ ये सौ रुपये का चार्जेस लगेगा तो उसके साथ अठारह परसेंट जीएसटी भी ऐड होगा तो दोस्तों ये रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा करंट अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसके चार्जेस के बारे में एंड ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पर बताइए एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग